बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि अपना दूसरा पाकिस्तान जो इंशाल्लाह हर करीब बनेगा। मानी भाई कैसे? ये देखे नहीं, पीछे 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 पीछे। मानी कैसे? चल 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 मानी, ये करी मेर ये बातें हो रही है यार, क्या बात है। ये है जी खूबसूरत वादियों की खूबसूरत चीज, तुसी इनू वड के खाए ना। नहीं यार इदा ना करो, तो शर्म करया करो ना फिर। ए देखो मेरे पीछे औणी आदी कहंदे सी, कहंदा यार किन्नी प्यारी लगेगी जदों प्लेट च आएगी। यार ओ देख कुछ कह रही है? नहीं देख, देखो किड्डी प्यारी, प्यारी है। ओदी मां भी नहीं कुछ कह रही, मां जो कुछ कह ते आई ना तेरे पीछे चार मोहरियां कर देनी उन्हें। आ जा शाबाश। देखो जानवर भी कितने प्यारे, जानवर ही प्यारे। तो ये जी हम केल है इस टाइम, और ये देखें एकदम से बारिश शुरू हुई है और एकदम से ओले वगैरह गले जिसे बोलते हैं वो पड़ना शुरू हो गए हैं। चेक करें आर्मी अकेडमी, और खूबसूरती तुम्हारा मन पसंद अचार ऊपर रह गया, अचार किधर है जी? क्या बोल रहे हो? अचार हैं, अचार बड़ी यार। सो गाइस नाश्ता कर लिया है, और अंडा पराठा चाय अचार शाह। अरे भाई कैसा लग रहा है? अरे भाई चाय पूरा करे, इन्होंने तो पूरी प्लेट भर के चाय तो पता नहीं चल रहा होगा कैसे, क्या होगा कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या हो रहा है। दिल से आगे ना थोड़ी सी हाइकिंग करने के बाद कोई आधे पौने घंटे की एक अरन केल आता है, तो उसका पता करने जा रहे हैं कि क्योंकि बारिश हुई है और थोड़ा सा झालाबारी भी हुई है, तो देखते हैं वो ट्रैक उसका सही है या नहीं है, कैसा है। वो जाएंगे मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, वो पैदल ट्रैक है, देखेंगे कैसा ट्रैक है और वहाँ जाएंगे। अच्छा ये केल का बाजार है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का बाजार। चलो जाने दो केल का। जी ये बारिश के बाद के देखें मौसम कुछ बहुत ही, ये पहले बाजार अजीब सा लग रहा था लेकिन अब बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही रसीला रसीला यू नो। ये सूरज भी मारा आगे, और यहाँ से हमने नीचे जाना है लेफ्ट पे, और यहाँ लेफ्ट। आई नो ब्रदर, ये पैदल ट्रैक है, मेरे ख्याल में पैदल ट्रैक ऊपर से जाता है, तो यहाँ से तो गाड़ियाँ जा सकती हैं। ये ऊपर जाने का जो पैदल ट्रैक है वो किधर है? कितनी दूर है जैसे? मैंने सुना है यहाँ लिफ्ट की लाइन बड़ी लंबी होती है, लेकिन अभी तो ठीक ठाक माहौल लग रहा है। भाई ने बहुत ही इतने लगा, उतर जो भाई उतरो। मैनू ये अरंगेल का ट्रैक किस साइड है? ट्रैक किस साइड अरंगेल?
चलो जी उधर लाओ धक्का इनू लाओ धक्का इतने ला दे यार शुरू हो रही है और ये आगे तक जा रही है वहां से भी लाइन जा रही है और बारिश की वजह से रास्ता जरा अजीब सा हो रहा है क्या नाम है आपका फैजान किस क्लास में पढ़ते हो फिफ्थ फाइव क्लास में यहीं पे स्कूल में पास में ही है स्कूल जबरदस्त और आपका क्या नाम है किस किस क्लास में पढ़ते हो जबरदस्त यार ये देखें जी ये हाइकिंग ट्रैक बनाया हुआ फिलहाल मगर इस छत के ऊपर चढ़ने के चार्ज हैं क्योंकि पे करके आया हूँ और ये लिफ्ट है यहाँ से आप सुबह सुबह आके हाइकिंग कर सकते हैं ये देखिए वो चले गई है ये यहाँ पे लिफ्ट है ठीक है और अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और ये खूबसूरत है यार कमाल का एक्सपीरियंस है ये देखें स्पीड बड़ी स्पीड से आ रही और ये रुके सो गाइज इस टाइम हम हाइकिंग का प्लान कर रहे थे मगर सीन कुछ इस तरह के मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन लगी हुई है लिफ्ट के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं मगर यहाँ पे तासरात नज़र नहीं आ रहे तो इंशाल्लाह हम सुबह करेंगे अभी आपको मैंने दिखाई है लिफ्ट और इंशाल्लाह ये नीचे ये देखें हाइकिंग के लिए ट्रैक जा रहा है और ये घूमता हुआ ये किधर से इधर को जाएगा ये वो ब्रिज बना हुआ है जो उनसा ब्रिज वो जो उनसा ब्रिज है उसके जरिए ये उधर जाएगा फिर यहाँ से हाइकिंग करके वहाँ पे जाया जाएगा और उस टॉप पे जाके मज़ा आएगा तो इंशाल्लाह सुबह सही सो गाइस ये हाइकिंग के लिए डंडा ले लिया और अब हम ये डंडा देने जा रहे हैं आगे आगे वाले दो मवेशी जो के बैठे हुए हैं और तीन बंदे जो के खड़े हुए हैं डंडे लेके तो भाई इस टाइम हम जो उनसा जा रहे हैं वो अरन कील की तरफ जा रहे हैं जो के पहाड़ की दूसरी साइड पे है और रात का मैंने कल आपको सीन दिखाया था जो कि खूबसूरत सीन था अभी हमने हाइकिंग के लिए डंडा ले लिया और अब हम हाइकिंग करने जा रहे हैं और मेरे साथ मुकम्मल टीम है टीम एक्स आगे है तो भैया तले देखो तले ये जी डोली की तरफ बढ़ते हुए हाइकिंग के लिए आपके पास डंडा होना बहुत जरूरी है खालिद
कितना? 200. ओके. क्या पूछे? मैं कह रहा हूँ आप टिकट का पूछे. ओके और मेरा नाम ले लेना, स्लॉट मिल जाएगा. सो गाइस, अभी हम इस टाइम खड़े हुए हैं लिफ्ट के पास और अब हमने जाना है अरन जेल की तरफ. और आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये है लिफ्ट, तकरीबन हाफ किलोमीटर तो बनता ही है. तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं अरन जेल की लिफ्ट पे. अली तनोली भाई हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है. अली भाई टेंशन में सिगरेट पी, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं. हमारा काम ही जिंदगी का मकसद है सिगरेट पीना. ओए बेचारा परेशान है, क्या होगा आगे डोली में बैठ के, क्या होगा टूट की सबसे ज्यादा परेशान है जम्मा. नहीं है इधर, मैं परेशान नहीं हूँ. हाँ नहीं है ये जी आता है यहाँ वो लिफ्ट जा रही है वहाँ से, और जो आप इस टाइम देख रहे हैं वो लिफ्ट चली गई है. तो ये जी केएल से अरन केएल जाने के लिए तकरीबन 200 रुपया पर हेड ले रहे. ये लो लाला सही है. और ये जी केएल से अरन केएल जाने का रास्ता, और इसका आने का सो जाने का सो. और देख सकते हो खूबसूरत वादी है. इस लिफ्ट पे हमने जाना, ये स्पीड आप चेक कर सकते. तो ये जी ये डोली है अगली मरतबा, और यहाँ से हमने उधर जाना है. ये डोली है, ये थोड़ी सी डोली तो हमारी डोली की. वो सानू छाड़ के चली, ओए ओए सानू छाड़ के चल गई, वो सानू छाड़ के चल गई. हाजी हाजी तुम्हें तुम्हारी डोली छोड़ के चली गई. स्पीड से तो मोटर पे गाड़ी नहीं चलती. ये डोली चल रही है भाई, इसकी स्पीड वाह भाई है. ये डोली अलग किया गया है इसे फैसलाबाद चलें. यार वैसे मैं कह रहा हूँ कि मोटर में भी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाते जितनी तेज ये डोली चला रहे हैं. बढ़िया यहाँ से जो सीन है जी बड़ा खूबसूरत है, ये देखें आप. और हमने वहाँ जाना है ऊपर, तो आधा रास्ता तो ये डोली से तय हो जाएगा, आधे से ज़्यादा बल्कि. बाकी कोई 40% रह जाएगा वो हम पैदल तय करेंगे. अली तनोली की बस हो गई है पहले ये सुन के. मेरी काली बस हो गई थी. अली भाई आपकी अभी उमर भाई आप है. मैं अली तनोली के साथ हूँ, मैं उधर जाके. तो ये मेरा बच्चा है. इंजीनियरिंग का ना का, ओहो कामयाब अजूबा दुनिया का आठवां अजूबा. लो जी ये हाथ से रुकी जाती है, ये भी एक सिस्टम है. वाह क्या बात, हाँ वाह भाई बंदे है भाई. आप आगे जाएं खालिद, मैं बैठता हूँ सामने सामने बैठे सर. तो ये जी खालिद तुसी एंड पे बैठे हो. ये जी इस तरह की डोली है. वीडियो बना खालिद वो यार पीछे कवर करना जी. सर बजाएं बैठते हैं आसानी होगी ना. साथ हो जी भाई, नाल हो जो नाल हो जो. वीडियो बना खालिद सुभान अल्लाह कवर करना ना हाजा व मा कुन्ना. भाई इधर दरमियान की बात, भाई आज दरमियान में भाई आप बंदे ने वीडियो बना ली इधर आ जा. अच्छा जी इधर आ जा, ये आवे अपने साथ ही आ जाना इधर. मैंने लगा साथ साथ हो जाए. और ये जी हमारा नामा माल बंद हो गया. और ये जी ये देख सकते हो, और ये हवा भी तेज हो गई है. और ये जी हम पहुंच गए
खालिद कितना मेनू पीछे भाई चलते ओ इतने बोला ना अच्छा बाप चलो 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 चो महंगी हो जाती अगली दफा ओह हो भाई हम बहुत दूर से आए हैं डोली से चले बैठा चलो जी ऊपर चलते हैं अच्छा सिर्फ कहने का 2 मिनट है जानवर मिल गए तो यार इथो आके उच्ची हो जाती टेढ़ी हो जाती कुछ बंदे शॉर्टकट ले रहे हैं और कुछ लोग तो हम तो भाई शॉर्ट वाले बंदे अच्छा तू शॉर्ट अभी देखते हैं के शॉर्ट वाले के लॉन्ग वाले ओ भाई गवाच ना जायो और तेनू कोई जानवर पै जूगा इधर आ जा अभी तो काम शुरू हुआ है तो मैं थक गया पता लग रहा फायदे 100 किलो तो बंद हो जाते पहले शॉर्टकट यार ये शॉर्टकट है तो फिर लॉन्ग टर्म क्या होगा इधर से फिसलन वाला है चलो यार सीधा ही आधी एक घंटा बस एक घंटा एक घंटे की हाइकिंग भाई पूछिया तो जज्बात बह सकते केल से अरन केल तक का रास्ता काफ़ी खतरनाक है खालिद साहब उमर भाई सारे नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ कि सिर्फ आखिरी मोड़ है उन पता नहीं केड़ा आखिरी मोड़ यहाँ पे ही आना है बस पहुँच गए आप फाइनली आप पहुंच चुके हैं अरनकेल तो फाइनली खालिद भाई ने भी खालिद भाई भी पहुंच गए माशाल्लाह से अले थोड़ा उत्ते हो सर अले नहीं ऐ ना होया बाहर निकल के पीछे जाओ अले ओ मकाना दे कोल जाना ओ भाई आराम से मुद्रा
फाइनली पहुंच गए। तो जी यहाँ अरंगेल ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ का उसका लगा आपको दिखाते हैं। सो गाइस, केल से अरंगेल का रास्ता काफी दुश्वार रहा है, देख सकते हैं सब लोग ये आप देख सकते हैं सब लोग कितने चिल माहौल से बैठे हैं। ये केल से सिर्फ अरंगेल का रास्ता है और इतने इतने डंडे लेके ऊपर आए हैं पकड़ने के लिए, सिर्फ नहीं लेते तो हालात बुरे हो जाते। और ये मेरे आजू बाजू आप देख सकते हैं ग्लेशियर है, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखे ये सारे ग्लेशियर नहीं है मेरे, ये निके निके ग्लेशियर कह सकते हो। और खालिद भाई भी ऊपर आ गए हैं, मैं कहता हूँ हिम्मत है इस बंदे की कि ये सफ़र करा है, आप वीडियो में देखिएगा आपको मज़ा आएगा। जी खालिद भाई बताएं फिर, बताएं इधर नज़ारा खूबसूरत जरूर लेकिन धूप बड़ी है, अगर बादल हो जाए ना तो बड़ा ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। स्टार्टिंग गाइस देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से अरंगेल आने का फायदा आपको ये हो सकता है कि आप ये खूबसूरती देख सकते हैं। और बताएं पहाड़ों की परली साइड पे क्या है, परली साइड पे भी अपना ही पाकिस्तान है, और उसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि अपना दूसरा पाकिस्तान जो इंशाल्लाह अनकरीब बनेगा इंशाल्लाह। कैंप कर सकते हैं और उसके अलावा तो गाइस अरंगेल पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, हम आगे जाएंगे। एयरबड लेनी है, एयरबड मैंने उसमें डाल दी, किस में बताता हूँ आगे जाके। खेत है ये, 5 नंबर गली है, पानी लगने वाला है इधर अभी। कैमरा मैं ओपन नहीं कर रहा, नहीं नहीं ऊपर फैमिली खड़ी है, अभी करते हैं। आजू बाजू क्या खूब सजन दिया अखियां ने। अस्सलाम वालेकुम, भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलो चलो चलो,
ध्यान ना लायो ध्यान ना। मानी भाई कैसे? मानी दोबारा। ये देखिए नहीं पीछे 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 पीछे। मानी ऊंचा क्या? मानी कैसे? चल 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 चल। मानी ये करी फिर। ये बातें हो रही हैं। यार क्या बात है? जी हम अरन केल टॉप पे हैं इस टाइम। ये देख सकते हैं सात पहाड़ी है बिल्कुल, और ये सारा जंगल है, पर हमने सर किया सारा। और पहले तो बस हो गई है भाई, बहुत चढ़ाई की है। वहाँ वो ट्रैक ख़त्म हो गया था जो डोली वाला ट्रैक था, यहाँ अब हम वहाँ से यहाँ ट्रैक करके आए। एक घंटे की ट्रैकिंग की है। वो बोल रहे हैं कि आगे जाओगे फायदा कोई नहीं, आगे ग्लेशियर ही है, वो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ। चलो, चलो फिर वापस चलते हैं। अभी वापस की तैयारी है। पहले हमारा इरादा था वो ग्लेशियर जो है उसके पास जाए, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत दूर है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, बस आपको एक दो आबशारे मिलेंगे वो भी छोटी छोटी। हम वापस जा रहे हैं। मौसम भी ज़रा ख़राब, मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ। अगर बारिश हो गई तो यहाँ फंस जाएंगे। और यार ज़मीन बहुत पोली पोली है। हाँ क्या हो गया? पोली पोली लफज है, नरम है, नरम हो, पोली पोली है, पोली पोली है। तो हम इस तरह डंडा मार के चेक करते हैं कि भाई अंदर पाँव तो नहीं जाएगा, फिर हम साकिब को मिस कर रहा हूँ। हाँ साकिब भी पोला पोला है ना। नेट इतना सारा पड़ा हुआ है बैकअप। वी आर गोइंग बैक इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। फिलहाल तो हम बड़ी उम्मीद से आए थे आगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ ये मैदान बड़ा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आके कैंपिंग करते हैं या फिर वैसे ही आप यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ बेहतरीन है। लेकिन जो लोग वो एक पठान है ऊपर देचके लेके आए भाई, बाटियां लेके आए, जो भी आता है 10-15 दिन का बैकअप लेके आता है। आपने ऊपर कुछ चीज लेके भी आनी है, मुकामियों से रابطہ करें, वो आपसे पैसे लेके चीजें ऊपर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है। भी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना तो बहुत आसान है, हाइकिंग करना बहुत, तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीधी हाइकिंग है। मैंने अम्ब्रेला वाटरफॉल की हाइकिंग की है, उससे थोड़ी सी कम सख्त है, अम्ब्रेला वाटरफॉल की ज़्यादा सख्त है इससे। तो ये है भी थोड़ी, उससे वो ज़्यादा है थोड़ी सी। तो बाकी अगर आप डोली में आते हैं तो फिर थोड़ी है, अगर आप वैसे आते हैं कि नीचे से अपने दरिया खुद क्रॉस करना है
लकड़ी के पुल से, तो फिर आप नहीं आ सकते ऊपर, आपको दो घंटे लग जाएंगे। लिफ्ट के बगैर वही लोग आ सकते हैं जो कि कम से कम बिना घंटा घंटा पहले ट्रैकिंग कर चुके हैं, क्योंकि दो घंटे का ट्रैक है। हादी भाई 200 की बात नहीं है, बात है एडवेंचर की। 200 की बात होती तो वो तो हम रक्षे पे लग जाते, वहाँ ऊबर पे लग जाते हैं फैसलाबाद। 200 भी नहीं लगते, 700। हाँ वो टेंशन नहीं है। और यहाँ मौसम इतना प्यारा हो गया ना, अब हम थोड़ी देर बैठेंगे ना यहाँ, फिर हम निकलेंगे। ये देखिए, दिखाओ, ये देखिए जी, ये देखो कमाल यार, कमाल है माशाल्लाह। चारों तरफ पहाड़ है, एक तो ना एक तरफ पहाड़ है, चारों तरफ है ना। ये बड़ी यार, ये जो ये ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, ना घास ज्यादा है ना कम है, नॉर्मल सा घास है, टोटली बराबर है। ऐसा लग रहा है किसी ने खुद मशीन, हाँ हालांकि नेचुरल है। यहाँ पे आगे पता चलता है कि वाकई कश्मीर है। सही, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूंगा क्योंकि यहाँ माहौल बड़ा प्यारा हो गया। मसला ये है कि दो बादली सिलसिले आपस में टकरा रहे हैं, एक इधर से बादल आ रहा है मगरब वाली साइड से, एक इधर आ रहा है, तो आपस में टकरा रहे हैं। तो जब बादल टकराते हैं तो बारिश आदो आती रहती है भाई, तो हवा भी तेज हो गई है। पता है फेक है, ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, ऐसे नज़ारे मैंने पहले नहीं देखे, देखे ज़रूर हैं लेकिन ऐसे दिलकश मंजर। ये देखें ऊपर बादल आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि बाबूसर टॉप या जो गिलगित की पहाड़ियाँ हैं वो इस टाइम बारिश या बर्फ़बारी में आ चुकी हैं। और बाकी हमारे जो जांबाज हैं वो ये खड़े हैं, जांबाज दे बच्चे, इसको इज्जत रास नहीं, इसको डंडा रास है। उठा ले ये है जी खूबसूरत वादियों की खूबसूरत चीज, तुसी इनू वड के खाए ना वा। नहीं यार ना करो, शर्म करया करो ना फिर। देखो मेरे पीछे आउनी आदि कहंदे थे, कहंदा यार कितनी प्यारी लगेगी जदों प्लेट च आएगी। यार वो देख कुछ कह रही है, नहीं देखो कितनी प्यारी है, ओदी मां भी नहीं कुछ कह रही, मां जदों कुछ कहन ते आई ना तेरे पीछे चार मोहरियां कर देनी उन्हें। आ जा शाबाश, देखो जानवर भी कितने प्यारे, जानवर ही प्यारे, यहां जो लोगों के जानवर हैं खुले मैदान में वो छोड़ देते हैं और ये चरते हैं पूरा दिन और फिर बाद में वो घर चले जाते हैं, कोई मौसम ख़राब हो फिर भी घर चले जाते हैं, इन्होंने सिखाया होता है। और कई दोस्त ऐसे हैं मेरे जो कि पहाड़ी सिलसिलों में रहते हैं, वो मुझे बताते हैं जब बर्फ़बारी होती है ना तो वो चारा नहीं दे सकते जानवरों को, वो चारा नीचे से जाके ले आ नहीं सकते, उनके अपने खाने के लिए बड़ी मुश्किल होता है, तो वो जानवरों को छोड़ देते हैं, अपनी गाय भैंसों को वो छोड़ देते हैं, वो अपनी मदद आपके तहत पहाड़ों में फिर के खज्जल हो के वहाँ से खाना खाती हैं। और फिर जब वो मौसम ठंडा ख़त्म हो जाता है फिर वो जानवर खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जानवर भूल जाते हैं, फिर वो लोग उनकी तलाश में, क्योंकि एक पहाड़ी सिलसिला होता है ना, एक पहाड़ी सिलसिले में 16 पहाड़ हैं, 14 पहाड़ हैं, वो फिर पूरे पहाड़ों पर उनकी तलाश करते हैं। और अक्सर लोग जो मेरे जानने वाले हैं मुझसे ट्रैकर भी मंगवाते हैं, इसी वजह से मैंने ट्रैकर एक भाई को दिया था, हमारे हिदायतुल्ला भाई हैं, उन्होंने ट्रैकर मंगवाया था और उनका बेहतरीन चल रहा है। वो ट्रैकर का ये होता है अगर जानवर गुम हो गए तो वो ट्रैकर लगा देते हैं और ढूंढ लेते हैं आसानी से, कोई मसला नहीं होता। ओके खालिद, जन्नत है, पिकनिक के लिए भी बेहतरीन है। तो भाई साहब यहाँ की खूबसूरती तो आपने देख ली, मगर मैं आपको सही बताऊं तो आप खूबसूरती तब भी देख सकते हैं जब आप खुद यहाँ पे आए, और जब आप यहाँ पे खुद आए तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की क्या खूबसूरती है। और देखिए जी आप सब, ऐसे आपने ये नहीं देखा होगा, ये अरंगकेल का मैदान है, अरंगकेल कश्मीर, ये अरंगकेल का मैदान है और इस मैदान को सर किया हमने बहुत बड़ी हाइकिंग करके, 2 घंटे की तकरीबन हाइकिंग थी जिसमें हम वहाँ गए थे और एक चेयर लिफ्ट तो नहीं आप कह सकते उसे, छकड़ा ही कह सकते हैं वो था। और ये पहाड़ियाँ गिलगित और ये अरंगकेल, आगे एक ही पॉइंट है बस कश्मीर का, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ बहुत ठंड है। तो बाकी यहाँ बहुत बेहतरीन माहौल है और ये पहाड़ियों की दूसरी साइड भी इंडिया है।
ऐसे इस तरह के छोटे छोटे पुल हैं अगर आप अरनकेल में आते हैं, जो कि क्रॉसिंग के लिए होते हैं। यहाँ बच्चों के लिए ख़ास एहतियात है, बाकी जो लोग हैं वो तो चलो गुजर ही जाएंगे। इस तरह इनके दरमियान में शगाफ होता है, वहाँ पाँव फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इनका गांव है, गांव में से होकर रास्ता जाता आगे। ये जो वापस जाने का रास्ता है, यहाँ से ज़मीन जो है बहुत ही दलदली थी, तो यहाँ के मुकामियों ने यहाँ जो है ना ये बुरा सा बिछाया हुआ है। ये जो यहाँ आरा भी चल रहा है, वो आरे से जो निकल रहा है इधर बिछाया हुआ है, क्योंकि यहाँ घर सारे लकड़ी के होते हैं, यहाँ लकड़ी की बासानी मिल जाती है क्योंकि जंगलात है। बाकी कंक्रीट का नीचे से आना बहुत मुश्किल है, कुछ कंक्रीट के ही बनाते हैं, ज़्यादातर पिलर्स कंक्रीट के होते हैं, फिर ऊपर लकड़ी की सारी की जाती है। ये आपके सामने सारे घर लकड़ी के, लोगों के इधर खेत भी हैं, और बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी है। और बच्चों कैसे हो, ठीक हो? अच्छा बीमार हो तुम? ओए बच्चे पुत्र नहीं लड़ते बेटा। हाँ जी खालिद भाई, क्या बात है, थक गए? कनेक्शन है आपस में, देखें देखें ये आ रही मेरी तरफ, चलो बुलाएंगे, ये बातें भी करती है मेरे साथ। अभी फिर लगता नाराज होगी आपसे, गलत बात कह दी होगी तू दोस्त।